छोटी काशी भिवानी, भिवानी के मेरे आत्मीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, जैसा हमको आज बताया गया है कि आज महात्मा ज्योतिबा फुले उनकी जयंती है। हो सकता बहुत से लोग ना जानते हो तो महात्मा ज्योतिबा फुले बहुत बड़े सन्यासी संत, उनको महात्मा की उपाधि मिली थी जैसे महात्मा गांधी को मिली थी। जयंती पर तो आज उनको हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और श्रद्धांजलि हमारी आवाज से कितनी ऊंची आवाज होगी उस जयकारे में उतनी बड़ी श्रद्धांजलि आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी को हम अर्पित करेंगे। तो जोर से बोलो महात्मा ज्योतिबा फुले की, महात्मा ज्योतिबा फुले की। इसी प्रकार से मित्रों आज के इस कार्यक्रम में चुनावी सभा है, मंच पर विराजमान हमारे अपने लोकसभा के वर्तमान सांसद और आगे के लिए भी जिनको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, बहुत ही लोकप्रिय नेता है इस इलाके के, चौधरी धर्मवीर सिंह जी जनता की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। इसी प्रकार हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री तो पहले भी थे लेकिन नए से ऐसे नए मुख्यमंत्री हमारे जो हैं उन्होंने इनको और ज्यादा ताकत दी है। अब ये खजाने की चाबी इनके पास आ गई है। वैसे हमारे जयप्रकाश दलाल जी आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, अपने यहां के विधायक, वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे भाई घनश्याम सराफ जी जिले के पार्टी के अध्यक्ष हैं, भाई मुकेश गौड़ जी और अभी विधानसभा भले बुआणी खेड़ा की है लेकिन इसी विधानसभा से, इसी जिले से आप संबंध रखते हैं और इस बार उनको भी मंत्री बनने का एक मौका मिला है, अपने मुख्यमंत्री ने उनको ये मौका दिया है। ऐसे भाई दिसंबर वाल्मीकि जी जो समाज कल्याण मंत्री हरियाणा सरकार में, हमारे अपने विधायक कोसली से हैं और जो यहाँ इस लोकसभा के प्रभारी के नाते जिनको जिम्मेवारी दी गई है, विधायक श्री लक्ष्मण यादव जी, जिला परिषद की चेयरमैन है बहन अनिता मलिक जी और भिवानी नगर परिषद की चेयरमैन, उस समय तो नहीं आ पाई है लेकिन उनके प्रतिनिधि के नाते से यहाँ श्री भवानी प्रताप जी, पूर्व चेयरमैन और भिवानी जिले की प्रभारी बहन रेणु डाबला जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई शंकर धुप्पड़ जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई नंदराम धानिया जी, नगर पार्षद श्री विनोद चावला जी, हमारे प्रत्याशी रहे श्री शशि परमार जी, सभी पार्टी के पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष और इस विधानसभा के प्रभारी श्री धर्मेंद्र जिंदल जी, बहन राजबाला चौराण, डॉक्टर विक्रम सिंह तंवर, श्री वीरेंद्र कौशिक जी, बहन मीना परवार और एक हमारी दुलेड़ी की भी टीम यहाँ मुझे दिखी है, पवन सैनी ये सामने बैठे हैं। बहुत ही इंपैक्ट ऐसे काम से मैं प्रभावित हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छता का अभियान चलाया, सारे देश में सफाई का अभियान चाहे गांव हो शहर हो सब में चला, लेकिन मन को अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री जो हर महीने मन की बात करते हैं तो एक बार अपने इस गांव के दुलैड़ी गांव के हमारे जवानों को सफाई के मामले में नाम लेके बताया कि भिवानी जिले के दुलैड़ी गांव की टीम और ये जो सफाई अभियान चला रही है और मुझे प्रसन्नता हुई। मैं खुद भी इनके गांव में कार्यक्रम में होके आया था और उससे आगे बढ़िया बात यह है कि इन्होंने कहा हमने अपने गांव में अभियान चलाया है, हमें भिवानी जिले के 100 गांव और दे दो, उसी प्रकार नौजवानों को प्रेरित करके उन 100 गांव में भी हम जो सफाई अभियान उसी प्रकार का चलाएंगे। मेरी माताओं बहनों से निवेदन है थोड़ी देर बैठना है, ज्यादा नहीं, बस मेरे बात और कोई बोलने वाला नहीं है, आप 5-10 मिनट बैठ जाओ और आपके मतलब की जितनी बात हो मैं जल्दी कर दूंगा।
ठीक है, तो 2-2.5 घंटे हो गए आपको बैठे हुए, और अब खाना बनाने का भी और खाना खाने का भी दोनों टाइम हो गए हैं, लेकिन थोड़ी देर जरूर आप लोग मेरा निवेदन स्वीकार करके यहाँ बैठे। और इसी प्रकार आज एक और शख्सियत जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, हमारे फौज के बहुत बड़े फौजी भाई जिसको कह सकता हूँ, उनके पिताजी भी फौज में रहे, हमारे बारडा इलाके के पतुआस गांव के रहने वाले श्री उमेश कुमार जी, उमेश कुमार जी, तो उमेश कुमार जी ने आज पार्टी ज्वाइन की है अपने सैकड़ों साथियों के साथ। इन सब का मैं पार्टी में इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के पुराने सारे हमारे नेता कार्यकर्ता है, उसी प्रकार का सम्मान इनको भी मिलेगा। हमारे लिए पार्टी में शामिल होने के बाद नए पुराने सब बराबर हो जाते हैं, इसलिए इनका भी पूरा सम्मान किया जाएगा। भाइयों बहनों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत से विषय आपके सामने रखे हैं, लेकिन थोड़ी बात क्योंकि मुझे बुलाया तो मुझे आपके सामने रखनी है। पहली बात तो मैं आज यहां मुख्यमंत्री के नाते नहीं आया, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते नहीं आया, आज मेरे पास कोई जिम्मेवारी ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो प्यार है उसने मुझे यहाँ बुलाया है, उसे खींचा है, मैं आपका अपना मनोहर लाल बन करके आपका भाई आपके बीच में आया, और एक विशेष निवेदन करने के लिए आया है। उस निवेदन से पहले मैं इतनी बात बता सकता हूँ कि पिछले 9.5 साल में हरियाणा सरकार में और अभी नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की सरकार में विकास के काम बहुत किए हैं। गिनाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, हमारे विधायक गिनाएंगे, मंत्री गिनाएंगे, हमारे सांसद गिनाएंगे, और भी जो पार्टी के पदाधिकारी सब लोग वो गिनाएंगे। एक बात का उल्लेख कि हरियाणा में जो 2014 के अंदर बहुत तरह की यानी जनता को जो दुख थे, दुखड़े थे, उनकी तकलीफें थी, उनको दूर करने के लिए सर्वे जेनेटिक का हमने कुछ व्यवस्थाएं बदली है, सिस्टम बदले हैं, और जिद के साथ बदले हैं। मुझे कहने लगे कि आप जिद्दी बहुत हो, मैंने कहा मेरे जिद्दी होने का कोई फायदा हुआ क्या? कहने का फायदा तो बहुत हुआ, शुरू में तो लगता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाद में जब फायदा उठाते हैं तब लगता है कि अच्छी बात। हमने किसी के कहने पर पैसे खर्चने पर नौकरियां नहीं दी, बिना पर्ची बिना खर्ची, जिसका उल्लेख विशंबर जी कर रहे थे, 1,40,000 नौकरियां, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की है, चाहे पब्लिक सिलेक्शन कमीशन की है, किसी का एक पैसा नहीं लगने दिया, किसी के घर के किल्ले नहीं बिगड़े दिए, किसी माँ बहन की हमने टूम जेवर नहीं बिगड़े दिए, होना तो ये सिलसिला। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसके अंदर 2-4, 10 से लेकर के और 100-200 तक नौकरियां ना मिली, और उसमें भी गरीब जनता का अधिकार सबसे पहले, वरना तो गरीब लड़के पढ़ लिख करके और नौकरी पा नहीं सकते थे, सोचते भी नहीं थे। आज जब से सिस्टम शुरू हुआ, हमारे गांव के बच्चे लाइब्रेरी में अलग से पढ़ने लग गए हैं, ट्यूशन भी करने लग गए हैं, कोचिंग सेंटर में भीड़ शुरू हो गई है। उन कोचिंग सेंटर वालों का भी मेरे पास फोन आता है कि हम मर गए थे, आपने जीवा दिए। भाई बहनों, आज हरियाणा के युवा का विश्वास बढ़ा है कि नहीं, कुछ पढ़ लिख जाएंगे, जो योग्य होगा उसको उसका रिजल्ट, उसका जो इनाम, उसका जरूर मिलेगा, और जहां सरकारी सर्विस की बात आएगी सबसे पहले उसको बुलाया जाएगा, छोड़ेंगे उसको भी नहीं। जिसकी पढ़ाई थोड़ी कम हुई है, जो नई सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए भी हमने जो रोजगार के अवसर है भरपूर किए हैं। आज लाखों करोड़ रुपए का हरियाणा में इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो इंडस्ट्री आ रही है, ठीक है, अभी वो इंडस्ट्री गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, उधर थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये रोहतक तक सारा एरिया कवर हो गया, वहां तो जमीन भी मिलती नहीं है अब इंडस्ट्री वालों को। अब उनका अगला रुख ये दादरी जिला, भिवानी जिला, और आपका महम से आगे हिसार साइड में, सब तरफ जींद साइड में, ये जो अगली रिंग है, अगला जो एक दायरा है दिल्ली का, इसमें सब लोग जमीन लेकर के इंडस्ट्री लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि दादरी भिवानी इसको लाभ ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा? अब कोई बात अच्छी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पैदावार कम होती है, जमीनें थोड़ी सस्ती है, सस्ती जमीन की तरफ दौड़ता है इंडस्ट्री वाला। अब यहाँ उसको 20-30-40 लाख में जमीन मिलेगी, कहीं जीटी रोड पर जाएगा या किसी बड़े शहर में जाएगा, गुड़गांव में तो 5 करोड़ में भी जमीन नहीं मिलती है किल्ला। तो इसलिए स्वाभाविक है हमारे यहाँ इंडस्ट्री आएगी, उद्योग आएगा,
तो रोजगार के नाते से बहुत आगे जो जरूरतें वो पूरी हो रही हैं, और इससे पहले भी हमने उन लोगों को भी बहुत सहूलतें दी है, इंडस्ट्री के लोगों को कि हरियाणा में आके इंडस्ट्री लगाओ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पढ़े हुए लोग या उद्योग में काम करने वाले लोग, उनको पता है कि काम करने की सहूलत दिया जाए तो लोग दूर दूर से भी हरियाणा में आके पैसे लगा रहे हैं। एक समय वो था हरियाणा से बाहर भाग रहे थे, यहाँ से अपना उद्योग बंद करो, और बंद करके कोई गुजरात जाता था, कोई कोई अपना आंध्र प्रदेश में जाता था, तेलंगाना जाता था, महाराष्ट्र जाता था, और वहां से चल चल के लोग भी हरियाणा में आ रहे हैं कि हरियाणा में ऐसी सुविधाएं मिल रही है पहले हमने कभी देखी नहीं थी। तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। इसलिए मित्रों, हम चाहे नौकरियों का विषय हो, बदलियों का विषय हो, बदलियों की पर्चियां भी लेके घूमते रहते थे हमारे सेक्रेटरिएट में। चौधरी बंसीलाल जी हमारे तो जानकार सब यहाँ के लोग के ही हैं, मैं उनके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, लेकिन उनका भी जो एक बार रवैया हुआ था अध्यापकों के प्रति, किन मास्टरों को उठा करके 20-20 मील दूर फेंक दो ताकि घर ना आ सके शाम को, बच्चों को आप पढ़ाएंगे, लेकिन जब परेशान होता तो मास्टर उसके माथे में यही चीजें घूमती रहती है कि बच्चों का क्या होगा, परिवार कैसा होगा, माता पिता कैसे होंगे, पढ़ाने में मन नहीं लग सकता। हमने एक पॉलिसी बनाई, नीति बनाई कि घर के नजदीक अगर मास्टर पहुंच जाएगा तो अच्छा पढ़ाएगा, और हमने उस पॉलिसी में 95% अध्यापक ऐसे हैं जो आज मन से राजी हैं, जहां चाहते हैं वहां पहुंच गए। कोई मास्टर हमारे पास पर्ची लेकर नहीं आता कि मेरा ट्रांसफर करा दो, अपने आप हो जाना है। सब काम अब हरियाणा सरकार ने से किए कि आपको घर बैठे सहूलतें मिलेंगी, तो इस नाते से ये जो लाखों परिवारों को इनका लाभ हुआ है, ये सब हमारी जो व्यवस्थाएं बदल की है इसके कारण से हुआ है। दूसरी तरफ नीतियां हमारी कांग्रेस की, हमने 10 साल भुगता है पहले, इस हमारी सरकार आने से पहले 2004 से 2014 तक, वो आज भी याद है कि कैसे भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार कैसे घर कर गया। मैंने कल एक उदाहरण दे दिया था, हमारे कुछ साथी थोड़ा एतराज करने लगे, आपने उदाहरण दिया किसी व्यक्ति का, एक नेता का, मैंने एक नेता का नहीं, चाहे नेता कोई भी थे, उस समय मन में पीड़ा नहीं होती थी कि आम आदमी को 20-30-50-100 रुपया 200 रुपया दे के काम करना पड़ता है, और सबने समझौता कर रखा था, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, वो चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, तो ऐसे लोगों ने जो समझौते किए हुए थे, आज कम से कम मनोहर लाल ने समझौता नहीं किया, अगर किसी को जेब 50 रुपए भी किसी को दूसरे कर्मचारी की जेब में डालना पड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। सब चीजें ऑनलाइन इसलिए की है कि आपको दफ्तर जाना ना पड़े। अब परिवार पहचान बनने के बाद, परिवार पहचान पत्र हमारा सबका बन गया है, कोई परिवार बचा नहीं है जिसका कोई फैमिली आईडी ना बना हो। सबका बनने के बाद आपको राशन कार्ड चाहिए उसी में अप्लाई कर दो, आपको आयुष्मान कार्ड चाहिए उसमें अप्लाई कर दो, आपको किसी प्रकार की पेंशन, जो बुजुर्गों की पेंशन बनती नहीं थी वो आज उसके घर में जाकर के साइन कराते हैं कि भी आपकी उम्र 60 साल हो गई है, आप जरा साइन कर दो आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। ये सब क्यों हुआ? इसलिए कि हमने सारे समाज की सेवा करने का संकल्प लिया है। सत्ता राज ये भोगने के लिए नहीं है कि हम राज में आ गए तो पहले अपनी जेब भरो, फिर अपने घर वालों की, फिर अपने पार्टी के लोगों की, फिर अपने और चहेतों की। ये तो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। क्यों सेवा करते हैं? इसलिए कि ये हमारा परिवार है। ये कांग्रेस वाले और बाकी विपक्ष के लोग कभी कभी कटाक्ष करते रहे मेरे ऊपर, इसको क्या पता इसका तो परिवार ही नहीं है। 2-4-6 महीना मैंने पीड़ा से सुना, और मैंने जो उनको जवाब दिया, मैंने कहा सुनिए, ये हरियाणा के 2,82,00,000 लोग, ये सारा मेरा परिवार है, यही मेरे भाई बहन है। ये 2,82,00,000 हमारी बहने, माताएं, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, ये सब मेरा परिवार है। और मैं तो अपने परिवार के लोगों का जन्मदिन भी रिकॉर्ड में रखा हुआ, सरकार की ओर से उनको जन्मदिन की बधाई भेजता हूँ। आप इतने सारे लोग सुन रहे हैं, हाथ खड़े करके बताओ कि आप में से जन्मदिन की बधाई किस किस को आई, जरा हाथ खड़े करके बताओ। अब देखो 60% लोग ऐसे हैं जिनको बधाई का संदेश आ रहा है। ये परिवार की पहचान है भाइयों बहनों। इस परिवार में हर किसी की चिंता हमारा काम है। एक तरफ हमारे नेता कांग्रेसी जिसको हम बापू बेटा की पार्टी कह देते हैं, और पिछली तरह तो उन्होंने
जो कहा आपने सुना ही होगा कि इस बार हम दोनों नहीं लड़ेंगे। क्यों? अगर बापूर दोनों लड़ गए तो या तो दोनों हार गए और दोनों के हार गए, दस की दस हार गए। कि इस बार में से एक को जिताना है, या तो बापू लड़ेगा या बेटा लड़ेगा, ये हमने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा। कैसी समस्या उनके घर में? पार्टी नाम की चीज नहीं है यहां, पार्टी नीचे तक बूथ के लेवल पर भी, उससे भी आगे पन्ना प्रमुख, एक एक बूथ में 15-15 लोग तैयार कर लिए हैं। हमारी पार्टी के निर्णय कितने ज्यादा हो रहे हैं, कितने अच्छे हो रहे हैं। हमने अपने 10 के 10 लोकसभा के कैंडिडेट के और घोषणा कर दी है आज से कई दिन पहले। और दूसरी तरफ कांग्रेस या बाकी पार्टियां उलझी हुई है, किसको दे किसको ना दे। पहली बात तो वहां लेने वाला ही कोई तैयार नहीं है, मानो है भी सही तो फैसला नहीं कर पा रहे। और वह इतना लेट हो जाएंगे कि जब जमीन पर उतरेंगे उनको कुछ मिलेगा ही नहीं यहां। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता, कार्यकर्ता, नागरिक, किसान, मजदूर, दुकानदार या जो भी कोई नौकरी वाले, सबका मत एक ही हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। उनका हाल ये हो गया कि भंडारा होता ना, भंडारा अगर कोई भंडारे में थोड़ा लेट पहुंचे खाने में तो कहते हैं भंडारे में गए तो पूरी खत्म। जब भंडारे में अंदर गए तो पूरी खत्म, लेट इतने हो गए। अब निराश होकर के वहां से बाहर आए तो बाहर चप्पल गायब, अंदर पूरी खत्म, बाहर चप्पल गायब, हाथ मलते हुए आ गए और बाद में जाकर के जनता को बताएंगे मुंह चौपड़ के, वाह जी वाह, बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया। मजा तो 4 जून को पता लगेगा क्या मजा आया आपको 4 जून को पता लगेगा। भाइयों बहनों, इस कांग्रेस को और कांग्रेस का जो ठगबंधन है उससे भी हमको सावधान रहना है, क्योंकि उन्होंने ठगबंधन भी बनाया सारे देश में। कहने को तो कह दिया कि ये भी स्पोर्ट, लेकिन जितनी पार्टियां हैं वो किसी को भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं ना जी, हम एक दूसरे को सहयोग तो नहीं करेंगे, नेता करते रहो, ये गठबंधन ठगबंधन, हम तो फिर अगर नई जगह मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में आज लाइन लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी में लोग पूछते हैं जो आने वाले उनसे, अरे भाई जहां जा रहे हो वहां तो पहले ही बहुत लोग खड़े हैं टिकट लेने वाले, आपको टिकट नहीं मिलेगी, आप क्यों जा रहे हो? वो कहता हमको भी पता टिकट नहीं मिलेगी, फिर क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहे हैं, अगर यहां बैठे हैं ना कांग्रेस में, यहां तो जबरदस्ती टिकट गले में घल जाएगी और यहां चुनाव लड़ना पड़ जाएगा, लड़के कुछ मिलना नहीं है, इसलिए वहां से निकल के भाजपा में जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, शांति से काम तो करेंगे। ये आज मानसिकता और लोगों की बनी है। लोग आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, और अच्छे पायदार लोग भी आ रहे हैं। पर हम आने से पहले पूछते हैं, भाई कोई कंडीशन तो नहीं है? मेरे पास उमेद पातुवा साहब 4 दिन पहले बयान तो आज किया, मेरी बात इनसे 4 दिन पहले हुई, भाई वहां क्यों आ रहे हो? कि जनता की सेवा करनी है, चुनाव भी लड़ोगे, कि मौका दे दोगे तो लड़ेंगे, नहीं तो नहीं, टिकट नहीं मिली तो भी मैं जनता की सेवा करूंगा, पार्टी की सेवा करूंगा, मेरी कोई कंडीशन नहीं है। क्यों मैं जी, यही बात थी ना, यही थी ना, हम मंच पर हाँ करा लेते हैं कि भाई कल को कोई दबाव मत लड़ा देना, क्योंकि आखिर किसी ना किसी को लड़ना है, एक को लड़ना है, एक नार 100 बीमार। और कभी कभी तो लड़ने वाले बहुत सारे होते हैं, पार्टी छांटती है 3-4 में और मामला रुक जाता है, उन 3-4 को उनको उनमें लगता है कि ये तो हर एक जैसे हैं, किसको टिकट दे, फिर वहां लड़ाई नहीं लड़ते। फिर हम उनको कहते हैं अब एक फार्मूला काम करेगा, उस फार्मूले पर आप भी पहले समझ लो, आपके काम आएगा। फार्मूला क्या है? फार्मूला है, ध्यान से देखना मैं फार्मूला क्या बता रहा हूं, वो फार्मूला है, समझ गए, वो फार्मूला है, ये जो समझ गए हाथ खड़े करो, सब समझे। फिर तो भाई जो कहीं किसी की लकीरें तेज मार रही होती है, थोड़ा जोर मार रही होंगी, माथे की लकीरें जिसकी होगी वो आगे बढ़ जाएगा। हाँ बारी आ सकती है, चिंता नहीं करो, महिला मोर्चा की बारी आ सकती है। और आप तो देखो बहुत जल्दी महिलाओं का आरक्षण होने वाला है, और आरक्षण हो जाएगा फिर महिलाओं की जो किस्मत है महिलाओं में, और बाकियों की किस्मत बाकियों के साथ। इसलिए आपको भी मौका मिलेगा
तो मेरा तो इतना ही कहना है, जब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत बड़ी डिंगे भी मारते हैं। डिंगे क्या मारते हैं? जुगनू देखा, जुगनू, जुगनू देखा है ना? क्या होता है जुगनू? रात को टिमटिम करके कीड़ा सा पतंग सा होता है जुगनू। एक महफिल में जुगनू इकट्ठे हो गए, क्यों मैं सबको जुगनू कहता हूं, एक महफिल में जुगनू सारे इकट्ठे होकर बैठ गए और क्या वहां पर प्रस्ताव पास किया, डिसीजन, निर्णय क्या लिया कि चलो सूरज का रास्ता बदला जाए, चलो सूरज का। अब ये जुगनू हैं और ये कहेंगे मोदी जी को हटाएंगे, हटा लेंगे क्या मोदी जी को? हटा लेंगे क्या? मोदी लगातार हमारे 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, अगली बार तो प्राइम मिनिस्टर बनना है। लेकिन एक काम चुनाव के समय पर एक काम करना होता है, जैसे कोई दुकानदार या फैक्ट्री वाला, उसको लाइसेंस मिलता है कुछ टाइम के लिए, बाद में उस लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता ना, किसी भी दफ्तर में जाएंगे अफसर को कहेंगे मेरा जो लाइसेंस रिन्यू कर दो। तो ये राजनीति में भी हर प्रदेश और देश में 5 साल के बाद पार्टियों को अपना लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है, और ये न्यू इस पार्टियों के यानी द्वारा जो इलेक्शन होता है इसमें पार्टियों को दोबारा में सत्ता में आने के लिए लाइसेंस जो रिन्यू कराना पड़ता है, ये रिन्यू कौन करता है बताइए? कौन करता है? आप करेंगे ना? तो आप सबने इस चुनाव में इस लाइसेंस को रिन्यू करना है। अब रिन्यू तो भाई 272 सीटों में हो जाएगा, 542 में अगर 272 जीत ली रिन्यू हो जाएगा। एक होता है रिन्यू सामान्य शाही से, आम शाही का पेन लगाकर रिन्यू हो जाता, और एक अगर गोल्डन शाही से, सोने की शाही से अगर साइन करने हो तो फिर 272 से नहीं, 400 पार। अब की बार 400 पार कर ली है, और उस 400 पार में हमारा हिस्सा हरियाणा का कितना है? 10 का है, और 10 पहले थी, 10 की 10 फिर ले आनी है, और उस 10 में भी एक हमारी है, ये जो भिवानी महेंद्रगढ़ की ये 9 विधानसभाओं की सीट, ये हमारी सीट है, इसको भी हमने उसमें अच्छे बहुमत से जोड़ना है। जहां हमारे चौधरी धर्मवीर जी, इनको पार्टी ने सिंबल दिया, ये तो सिंबल है, एक प्रतिनिधि है मोदी जी के, इनको वोट डालेंगे सीधा मोदी जी को जाएगा। तो इस वोट के कारण से धर्मवीर जी तो सांसद बनेंगे ही, 10 की 10 सीटें में हमारी जीतेंगे और मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, गोल्डन शाही से उनका लाइसेंस रिन्यू करेंगे। अब बात आई मार्जिन की, चौधरी साहब ने हमारे दलाल साहब ने एक बात कह दी, और वो जो कही तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था, खेल के भी कुछ नियम होते हैं ना, इन्होंने खेल के नियम का उल्लंघन कर दिया। खेल के नियम का उल्लंघन क्या कहा? कल लगे हम करनाल से आके निकलेंगे, और करनाल में प्रत्याशी कौन है भाई? ये करें करनाल से आगे निकलेंगे, और प्रत्याशी मैं करनाल से हूं, और मुझे यहां वोट में सहारा लगाने के लिए यहां बुला लिया, तो बोलो मुझे क्या करना? अगर तो मुझे आगे रहना है तो फिर तुम, आपको क्यों कहूं कि आप वोट दो? क्यों भाई, मेरी बात समझ गए? ये है ना खेल के नियम का उल्लंघन, नहीं है? अरे कौन है, आप वोट डालोगे करनाल से आगे निकल जाओगे तो फिर ये आगे निकल के मैं पीछे रह गया, और मुझे कहते हैं कि मेरी तरफ से आके मेरे पाड़े में आके खेलो। एक कोई विरोधी पार्टी का विरोधी जो टीम होती है उस टीम के खिलाड़ी को कहो भी वहां तो ना खेल, तो मेरे आगे खेल, बोलो है कोई नियम ये बता दो। अब बड़े संकट में आ गए, हमारे प्रत्याशी भी आ गए, दलाल साहब भी आ गए, आप भी आ गए, नहीं मुझे जरूरत नहीं फिर बोलने की है? चलिए भाई, इस खेल के नियम का इन्होंने भ्रे तोड़ा हो, मैं पालन करता हूं, इस खेल के नियम का मैं पालन करता हूं,
और मैं अपील करता हूं कि आप यहां इतने ज्यादा वोटों से जिताओ, इतने ज्यादा वोटों से जिताओ कि पिछली बार करनाल अगर नंबर दो पर आ गया था, नंबर एक गुजरात की सीट थी, अब गुजरात को अपनी छेड़ेंगे, ठीक है ना। गुजरात आगे निकल जाए कोई बात नहीं, मोदी जी काशी से लड़ रहे हैं वो आगे निकल जाए कोई बात नहीं, लेकिन उन दोनों के आगे हम नहीं निकलेंगे। इतना नियम का पालन मैं करता हूं कि भाई करनाल से आप आगे निकल जाओ मैं आपको बधाई देता हूं, करनाल तीसरे नंबर पर ना आए, तीसरे नंबर पर भिवानी आए, चाहे मैं फरीदाबाद वालों को भी कल जाऊंगा मना लूंगा कि भाई इस बार तीसरा स्थान जो है हरियाणा में सबसे पहला स्थान वो भिवानी और महेंद्रगढ़ का आना चाहिए, इसलिए जो अपनी बात करो उससे पीछे पीछे करो। बोलो नियम का पालन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। और इस मेरी बात को तभी पूरा कर पाएंगे जब आप सब मिलकर के चौधरी धर्मवीर जी को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर सभी विधानसभाओं में, ये तो भिवानी विधानसभा है, बाकी विधानसभाओं के लोग भी बैठे हैं, मेरी आवाज मीडिया के माध्यम से वहां भी पहुंच रही है, तो वहां भी बात पहुंचा दो भाई कि इस बार हरियाणा में मार्जिन के नाते सबसे ज्यादा मार्जिन, सबसे ज्यादा वोट वो हमको भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर देने हैं, भले करनाल और फरीदाबाद चार और पांच पर आ जाए। बोलो हुआ के पालन नहीं, हो गया ना। तो ये है, अब इसको दूसरे भाषा में भी हमारे संजय भाटिया जी कहते रहे हैं करनाल लोकसभा में, हम दोनों इकट्ठे घूमते थे, तो जब पहले उनकी बारी होती थी बोलने की तो मुझे कहते थे वाह जी वाह देखो कितना त्याग किया, अभी भी लोग कह रहे थे, चाहे वो घनश्याम जी ने कहा चाहे बाकियों ने कहा कि अपने होते होते और अपनी कुर्सी हमारे एक नए साथी और हमने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना के उनको बैठा दिया, बड़ा अजीब लगता लोगों को, लेकिन मैं कहता हूं मेरा अपना साथी है, 1995 से हम लगातार काम कर रहे हैं और मेरे अपने मन में आया था कि जैसे कोई एक बुजुर्ग होता है वो अपने रहते रहते दुकानदार है तो अपने बेटे को दुकानदार बना के गद्दी पर बैठा देता है, किसान होता तो हल की जो मुट्ठा है वो पकड़ा देता है, बेटे चल हल चला, थोड़ा साथ साथ चलता है, तेरे फाली बड़द गलाई जाए वो साथ चलता है, एक लोहार वो भी अपना थोड़ा वो अपने बेटे को पकड़ा देता है दुकनी समेत, भाई चल अपना तू फाली को जरा तू भी अच्छा सा इसको बना दे, कोई इनके औजार जो है इनको तेज कर दे, ऐसे खाती वो अपना रंधा अपने बेटे को पकड़ाता चल भाई जरा अच्छी सी लकड़ी बना दे, नाई है वो निरना उस तरह ये पकड़ा देता बेटे को चल बेटा तू सीख जा। तो भाई जितनी खुशी अपने होते होते अपने आगे लोगों को देने में आती है इतनी बाद में नहीं आती, मजबूरी में अगर देना पड़ जाए तो ऐसी दी ऐसी नहीं दी, इसलिए मैं तो उनको यानी वो मुझे कहते थे बड़ा त्याग कर दिया, और जब मेरी बारी बोलने की आती थी संजय भाटिया वहां से सांसद थे और उन्होंने सहर्ष ये कहा कि मनोहर लाल जी यहां लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो इनको केवल फार्म भरने आना है, बाकी हरियाणा की देश के अंदर जाके सभाएं करें या आने की जरूरत नहीं है, चुनाव संजय भाटिया लड़ेंगे, खाली फार्म भर जाए बाकी सर्टिफिकेट ले जाए, इससे बड़ा त्याग उनका भी नहीं हो सकता। तो जब हम दोनों एक दूसरे का त्याग की बात करते थे तो वहां जो मंच पर बैठे नेता थे ना वो एक दूसरे को छेड़ते थे, क्या अरे देखियो अब तेरा नंबर ना जाए त्याग का क्यों, तो भाई मंच पर बैठे लोग प्रेरणा जरूर लो लेकिन जरूरत तो नहीं है किसी के त्याग मारने को, होना चाहिए दलाल ने तो हाँ कर दी कि त्याग करके मेरी बलि बेशक चढ़ा दो किसी और को लिया, दलाल साहब आपका टाइम बहुत है अभी बाकी, हमारे घनश्याम जी का हमारे विशंबर जी का इनका सबका समय अभी बाकी बहुत है, अभी तो यंग आदमी है नौजवान है, ये 70-75 हो जाएंगे तब देखेंगे कि किसका त्याग करवाना है, ठीक है हाँ, लेकिन त्याग कभी भी हो सकता है ताकि उस त्याग में हमारे बाकी लोगों का नंबर भी आ जाए, इनको भी उम्मीद रखनी पड़ती है। जब मुझे मध्य प्रदेश भेजा कि वहां के मुख्यमंत्री का चुनाव करा के आओ, बड़ा अजीब लगा कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव करा के आओ, मुझे समझ नहीं आया मुझे भेजा क्यों, लेकिन भेजा, बाद में चुनाव हो गया, वहां एक डॉक्टर यादव है उनको जो है मुख्यमंत्री बना दिया, क्या नाम मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव को मैं पहले जानता ही नहीं था,
लेकिन वहां के लोगों ने फैसला कर लिया कि ये बनेंगे। अच्छा ठीक हो गया। जब मैं वहां गवर्नर हाउस से निकला एयरपोर्ट जा रहा था तो रास्ते में फोन आया अपने हरियाणा के एक नेता का, सामान्य नेता बहुत बड़े नहीं है, तो कहने लगे मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने क्या मजा आ गया, मुख्यमंत्री तो बना मध्य प्रदेश में, तुझे क्या मजा आ गया? कहने लगे मजा ये आ गया कि जिस प्रकार एक नए आदमी को वहां मुख्यमंत्री बना दिया, हो सकता कल को यहां मेरी भी बारी आ जा। कोई सी बात में खुश है तो भाई खुश सबको रहना चाहिए। मालूम नहीं किसकी लकीर है, जोर मार जाए और कहां मार जाए। ठीक है, तो मेरी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि मोदी जी की जो गारंटी है हर परिवार को सुखी करना, बहनों माताओं की तरफ विशेष रूप का ध्यान है, चाहे रसोई में उन्होंने गैस सिलेंडर पहुंचाया हो, चाहे बिजली का कनेक्शन पहुंचाया हो, शहरों की बात तो इतनी ज्यादा नहीं है, गांव के अंदर हर रसोई में नल से जल यानी नल का पानी वहां पहुंचा है, हर घर में पहुंचा है। और जिनके मकान नहीं है, जो गरीब आदमी है, उनको सहायता करने का भी बीड़ा उन्होंने उठाया है। यहाँ लगभग 1,00,000 मकानों के सहायता चाबी हम दे चुके हैं। आने वाले टाइम में 2,00,000 मकान जो और हमने पहले घोषणा की हुई है कि मुख्यमंत्री आवास योजना में ऐसे गरीब परिवारों को शहरों में गांव में या तो प्लॉट देंगे या मकान बना के देंगे, और या फिर 1,00,000 रुपए की सहायता करके देंगे। ये भी जिनके 100-100 गज के प्लॉट बाकी है नहीं मिले हैं, उनको सहायता देंगे। तो इन सबके परिवार जरा सुखी रहे, गरीब परिवार की सहायता स्वयं स्वयं होती रहे, हमने पहचान कर रखी है, और हर घर को हर व्यक्ति को घर बैठे चीज मिले, इस नाते से इस काम को हम करते हैं। और आज के इस अवसर पर मैं अंत में आपसे अपील करते हुए कि अब इस बार हम जितने वोट पहले कभी आज तक भाजपा को नहीं मिले, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, उससे ज्यादा वोट दे करके और वही टारगेट इनका मार्जिन इतना ज्यादा आ जाए कि मनोहर लाल भी पीछे रह जाए और हमारे फरीदाबाद के प्रत्याशी वो भी पीछे रह जाए, आप आगे बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।